अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेडिंग वेयर में लॉन्ग शर्ट फैंसी में और साथ में कैप्री, टाइट कैप्री या फिर चूड़ीदार पजामा। तो देखते हैं, अगर आप कोई वलीमा के लिए अपना ड्रेस अरेंज करना चाह रहे हैं लाइट कलर में, देन आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या वैसे आप नेट की कोई शर्ट लेके इस कलर में उसके ऊपर ये वाली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये लॉन्ग शर्ट है, साथ में ये चूड़ीदार पजामा है आप, और ये काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर लग रहा है। दूसरी साइड पे हमारे पास ये जो पर्पल कलर में आ जाता है, ये जस्ट गला और नीचे दामन पे काम है, साथ में लाइट कलर का दुपट्टा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी साइड पर हमारे पास जो है ये पर्पल कलर का पूरा ड्रेस है, और इसके साथ इन लोगों ने लाइट पिंक जो कलर का कंट्रास्ट किया है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया है और बहुत ही बेस्ट कलर है ये। और इसके अलावा हमारे पास मैरून है, इसके साथ इन्होंने लाइट बट्टे का कंट्रास्ट किया है, लॉन्ग शर्ट है, चूड़ीदार पजामा है, तो ये आप रात के लिए भी अपना ड्रेस जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं। और इसी स्टाइल में इन्होंने ब्लैक के अंदर भी हमें दिखाया है, तो इसे चाहें तो आप इसको भी फॉलो कर सकती हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास ब्लैक ड्रेस है, साथ में चूड़ीदार पजामा है, इन्होंने इसको ओपन स्टाइल में कर दिया है, लेकिन स्टाइल ओपन है, लेकिन इन्होंने इसको क्लोज रखा है, इसको ओपन गाउन की तरह ओपन नहीं किया इन्होंने। और नेक्स्ट डे हमारे पास सेम ब्लैक ड्रेस है, और इसके नीचे चूड़ीदार पजामा है, आप इसको भी बारात के लिए या किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए अरेंज कर सकते हैं। और हमारे पास ये रेड दुपट्टे के साथ, ऑर्गेन्जा दुपट्टे के साथ फैंसी शर्ट है, साथ में ये जामावार का पजामा है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको भी फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसे, चूड़ीदार पजामा है इसके पर्पल कलर में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मेहंदी अगर मायों का ड्रेस आप अरेंज करना चाह रहे हैं, तो ये ऑरेंज और शोकी पिंक का कंट्रास्ट जो है ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ये मेहंदी मायों और काफ़ी हद तक जो है ये ड्रेस जो है वो बेहतर लगेगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।